My audible, everyone. Thank you. Thank you. Yeah. Uh, very apologies for 10 minutes late, but I was actually trying to get inside the link uh, and a uh, session. But the major concern was that uh, due to some technical glitches, I was not able to connect. Uh, very warm welcome and again, namaste. Good evening to each one of you present here i can see 3005 people here in my session and i'm glad that uh, uh, partliputra sahodia school complex has selected me as a speaker to talk about uh, understanding and managing classroom behavior so myself arpit tripathi i'm a counseling psychologist based in varanasi i'll quickly start with the session without taking much of your time

Another is managing. When we talk about understanding, understanding means trying to understand what is classroom behavior, what is expected from you as a teacher, and ways to manage. So that's why it is mentioned on the slide that the presentation is going to cover strategies for promoting positive behavior in classrooms, dealing with challenging behaviors. आप मुझे कभी भी मेरे सेशंस में चेंज की बात नहीं सुनेंगे आई ऑलवेज टॉक टू यू डीलिंग विद चैलेंजिंग बिहेवियर्स कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज हैंडलिंग डिफिकल्ट कन्वर्सेशन्स एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासरूम इन्वॉमेंट इट इंक्लूड्स एस्टैब्लिशिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव री एनफोर्समेंट मॉडलिंग बिहेवियर Identifying common challenges, proactive approach in addressing challenges, communication strategies, handling difficult conversations, and positive behavior aids such as charts and a well organized classroom. So, these are the aspects which we are going to discuss in detail, which we are going to talk in detail. And I open the chat because nobody can, uh, you know. यूज देअर कैमरा और ऑडियो पार्ट सो आई चैट इज ओपन फॉर ऑल यू कैन पुट द क्वेरीज देयर एंड ऑफकोर्स योर क्वेरीज विल बी विजिबल टू मी एंड आई ट्राई टू आंसर एज पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ऑफकोर्स ज्ञान के समुद्र से कश्ती पर बैठ के मैंने जो तिनके भर का थोड़ा बहुत अनुभव इकट्ठा किया है मैं उससे कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजीज है सजेस्ट कर पाओ सो so, सबसे पहली बात जो हम करेंगे दैट इज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग क्लासरूम बिहेवियर सो वेरी फर्स्ट थिंग वट आई टॉक एंड ऑलवेज से वेल मैनेज क्लासरूम इनहेंसेज स्टूडेंट इंगेजमेंट एंड अकेडमिक परफॉर्मेंस जब भी हम किसी बच्चे के अकेडमिक परफॉर्मेंस की बात करते हैं सो इफ अ टीचर इज पी एच डी if a teacher is masters or if a teacher is a graduate all those teachers are educated people maybe having different degrees and the different level of understanding and perspective of looking at things but dear teachers the best thing which philosophy i believe in and i share with everybody the philosophy is very simple ki meri phd ho ya graduation ho मेरा सिखाया हुआ सामने वाला बच्चा सीख जाता है तो आई एम अ गुड टीचर सो डजेंट मैटर वट डिग्री वी होल्ड विद द मोस्ट मैटरिंग थिंग विच इज देयर इज हम किस तरीके से चीज़ों को बच्चों तक लेके जाते हैं किस तरीके से बच्चों से मिलने वाली चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं और किस तरीके से अपनी डीलिंग स्ट्रेटजी डिजाइन करते हैं ये मेजर तीन एस्पेक्ट्स जो है वो एक क्लासरूम बिहेवियर को बेटर या वर्स्ट बना सकते हैं सो एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरी कुछ स्ट्रेटजीज जो मैंने डेवलप नहीं की मैंने इसी समाज में रह करके के लोगों से सीखी उसको आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल एंड यू जस्ट ट्राई टू कनेक्ट फ्रॉम योर एंड एंड ट्राई टू पुट इट इन योर ओन क्लासरूम पॉजिटिव बिहेवियर

पक्ष होता है इन द वेरी सेम वे जब हम पॉजिटिव बिहेवियर की बात करते हैं तो उसमें भी हर व्यक्ति की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है अलग अलग अंडरस्टैंडिंग का मतलब हर व्यक्ति पॉजिटिव बिहेवियर को अलग अलग तरीके से लेता है किसी का मानना है कि पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो एक कंड्यूसिव लर्निंग इन्वामेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और किसी का मानना है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है इट कुड ऑल्सो बी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ये बिलीव करते हो कि सर डांस करना खेलना कूदना इससे कोई करियर और कोई लाइफ कुछ नहीं होगा और कुछ ये बिलीव करते हैं कि सर जो बच्चे इसमें रहते हैं हम देखते हो तो बड़े अच्छे बैलेंस रहते हैं बहुत अच्छा अपना ई क्यू बैलेंस करके चल रहे होते हैं तो क्लासरूम में जब हम कंड्यूसिव लर्निंग इन्वॉर्मेंट की बात करते हैं तो हमको पॉजिटिव बिहेवियर को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा क्योंकि तो ये सबसे क्रूशियल पार्ट है किसी भी लर्निंग एनवास का पॉजिटिव बिहेवियर का प्रमोशन हम कर कैसे सकते हैं सो so, मैं आपको एग्जाम्पल दे दे के चीजों को एक्सप्लेन करूंगा और आपको उसको अपने समाज में अपने सोसाइटी कल्चर के हिसाब से उसको एनालाइज करना है उसको इक्विप करना है सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज एस्टैब्लिश क्लियर एक्सपेक्टेशंस जब आप बच्चों से अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत क्लियर बताते हैं हम में से ज़्यादातर लोग इस दुनिया में सोचते कुछ हैं बोलते कुछ हैं और मीन कुछ और करते हैं यानी हमारे कहने का तरीका कुछ होता है उसको एक्सप्रेस करने का तरीका कुछ होता है और उसको बताने के बाद उसको हम किसी और तरीके से मीन करते हैं तो ये एक बहुत मेजर पर्सपेक्टिव है डेट हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत क्लियर रखें और क्लियरली कम्युनिकेट एंड डिस्प्लेड क्लासरूम रूल्स एवरीबडी हैज अ डिफरेंट वे ऑफ हैंडलिंग देयर क्लासेस अब आप किसी बच्चे के साथ बहुत फ्रेंडली हैं और किसी बच्चे की ओर आपकी भौहें हमेशा तनी रहती हैं सो so, ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि बच्चे आपको बायस्ड टीचर कहें अरे सर तो बहुत बायस्ड हैं सर तो इसको बहुत लाइक करते हैं मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करते सर तो सारा अपॉर्चुनिटीज उसको दे देते हैं मैम सारी अपॉर्चुनिटीज उसको दे देती हैं हमें नहीं देती बच्चे ऐसे स्टेटमेंट्स दे सकते हैं इसलिए जब भी चूंकि ये सेशन की शुरुआत है अप्रैल मई जून हम लोग इसको अप्रैल मई जून जुलाई ये शुरुआती सीजन होते हैं जब हम क्लासरूम में बच्चों से डिस्कस करके कुछ बेसिक चीजें क्लासरूम के नोटिस बोर्ड पे लिख के डाल दें इस क्लास के ये दो तीन बेसिक नॉर्म्स हैं जो सबको फॉलो करने हैं इसका the screen visible mm -hmm. I'll speak, then the voice will come just a second. Uh, is the screen visible to everyone? Just right? Yes, no. Thank you. So, another very important aspect is define expectations for behavior during various activities. kiss kis what behavior ko karna hai ye अब हम लोगों का ये थॉट होता है कि अरे इतनी तो कॉमन सेंस की बात इनको पता होनी चाहिए बट हमने भी गलतियाँ करके सीखा है सो so, जितना हम लेट गो करें और लर्न करें फरगिव करें फगेट करें उतना ही हमारे लिए वो हेल्पफुल है सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जब हम एक्सपेक्टेशंस को डिफाइन करें तो हम बच्चों को समझाएँ कि स्पोर्ट्स में हुर्रे हुर्रे चिल्लाना ऑन डू वेल well, ये वहाँ का एक्सपेक्टेड बिहेवियर है मूवी हॉल में बैठ करके आपका इस तरीके से हंसना कि आप और आपके साथ बैठे लोग इंजॉय करें आसपास का व्यक्ति डिस्टर्ब ना हो और आप भी मूवी इंजॉय करें ये वहां का एक्सपेक्टेड बिहेवियर है किसी की शादी में जा करके अपने आप को ड्रेसअप करके वेल जाना वहां पर डाइनिंग एटिकेट्स को फॉलो करना अच्छे से खाना लोगों के साथ मिंगल अप होना ये वहां का एक्सपेक्टेड बिहेवियर है क्लासरूम में बैठना जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन पूछने से पहले हैंड रेस करना क्वेश्चन का आंसर मिलने के बाद थैंक यू बोलना ये क्लासरूम का एक्सपेक्टेड बिहेवियर है सो दिस इज समथिंग जो हम लोग को बेसिक चीजें बतानी होती हैं यदि हम क्लासरूम में पॉजिटिव बिहेवियर को प्रमोट करना चाहते हैं अनदर थिंग यूज प्रेज एंड रिवॉर्ड टू एक्नॉलेज एंड एनकरेज गुड बिहेवियर इस वर्कशॉप में जो हम आप अभी अटेंड कर रहे हैं हम किसी व्यक्ति मैं यदि किसी व्यक्ति का नाम लू करे वाह प्रीति सिन्हा मैम आप तो बहुत अच्छा बोली अरे वाह ये वाले सर तो अमित सर तो बहुत अच्छा बताए अरे राजीव सर तो बहुत बढ़िया कहे शरोज सर तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं सो so, आपको ये चीज़ सुन के बहुत अच्छा लगेगा क्या मैंने आपको कोई अलग से रिवॉर्ड दिया यस yes, मैंने आपको एक्नोलेज acknowledge किया एक्नोलेजमेंट इज समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी व्यक्ति के कार्य का सो so, जब भी कोई बच्चा क्लासरूम में कोई भी बिहेवियर करे वेदर इट्स अ गुड बिहेवियर और वेदर इट्स अ बैड बिहेवियर इफ इट इज़ अ गुड बिहेवियर प्रेज द चाइल्ड उसके लिए क्लैप कराइए उसके लिए बच्चों को एक स्टैंडिंग ओवेशन दिला दीजिए उसका नाम असेंबली में अनाउंस कर दीजिए क्लासरूम में उसके बारे में दो मिनट बोल दीजिए उसकी कुछ क्वालिटीज को हाईलाइट कर दीजिए उसकी कॉपी पर जा करके अपने से दो चार लाइन उसके बारे में लिख के अपना साइन करके डेट डाल के एक स्माइल दे दीजिए उससे एक स्टार दे दीजिए और यदि कोई बच्चा बैड बिहेवियर करे तो उसको हमेशा पब्लिकली नहीं पर्सनली बुला करके बात करिए बैड बिहेवियर में बच्चे को पर्सनली बुला करके अलग से स्टाफ रूम में बात करिए उसके बिहेवियर को री करता है ये बच्चे को वो बिहेवियर रिपीट करने के लिए वो री करता है प्रेज और रिवॉर्ड सिर्फ आपके वर्ड्स से शुरू हो करके आपके चॉकलेट देने तक की प्रोसेस पे कंप्लीट हो सकता है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चे को वो रिवॉर्ड दें हम बच्चे को वो रिस्पेक्ट दें जो वो डिजर्विंग है नेक्स्ट इज क्रिएट अ सिस्टम फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स हम सब किसी न किसी चीज़ में अच्छे हैं हम सब में कुछ ना कुछ अच्छा है किसी बच्चे ने क्लास में आपकी किसी क्वेश्चन का आंसर दिया तो आप उसको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करिए बाकी लोग कहिए क्लैप करें क्लासरूम में बच्चों को उंगली दिखा दिखा के उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चे खुद प्रोएक्टिव हो जाएंगे क्योंकि उनको एक्नोलिजमेंट मिलेगा हर व्यक्ति अपने लिए ताली सुनना चाहता है जरूरी नहीं हम सब सूरज नहीं बन सकते लेकिन हम दीपक जरूर बन सकते हैं हम सब सूरज नहीं बन सकते लेकिन हम दीपक जरूर बन सकते हैं सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम सेइंग कि क्लासरूम का हर बच्चा एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट मैथ्स में साइंस में किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में नहीं हो सकता लेकिन हर बच्चे में कुछ ना कुछ अच्छा है तो किसी बच्चे का कुछ भी अच्छा आपके नोटिस में आए आप उसको क्लास में एड्रेस करिए और उसको मोटिवेट करिए आप क्लास में बच्चे की फोटो लगा कर के एक बहुत अच्छी टेक्निक जो मैं सजेस्ट करता हूं छोटे स्कूल के टीचर्स को उस टेक्निक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई से आई से, से आप बच्चे के घर से बच्चे के घर से एक फोटो मंगाइए जिसमें उसके फैमिली मेंबर्स हों बच्चे से कहिए कि अपने फैमिली मेंबर्स की फ़ोटो जो है वो स्कूल में लेके आओ और उनके बारे में हर हर कैरेक्टर के बारे में आपको टेन टेन सेकेंड्स बोलना है यानी हर एक बच्चे को एक मिनट का टाइम मिलेगा आपको बताना है कि ये मेरे पापा हैं मेरे पापा इस पोजीशन पे हैं और वो ये ये चीज़ें करते हैं मेरे पापा मेरे लिए इसलिए स्पेशल हैं क्योंकि वो मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं मेरी मम्मा है मेरी मम्मा मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि मेरा थोड़ा सा भी मूड ऑफ हो तो मेरी मम्मा को सबसे पहले पता चल जाता है और ऐसी चीज़ें बच्चा क्लास में बताए जब हर बच्चा अपने क्लासरूम में ये बात बताएगा तो बाकी बच्चे एक दूसरे को सुन करके कनेक्ट कर पाएंगे किसी की लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन है तो वो बच्चे आपसे खुल के बता पाएंगे किसी के फादर नहीं है किसी की मदर नहीं है किसी के घर में मे बी डाइवोर्स का इन्वॉलमेंट है या समथिंग कुछ ऐसा है आपकी नोटिस में ये चीज़ें आ जाएंगी जब ये चीजें आपको पता चलेंगी तब आपकी डीलिंग स्टार्ट होती है तब आपको उस व्यक्ति से बच्चे से व्यक्तिगत रूप से बात करनी है उसको कॉपरेट करना है हम लोगों की एक कॉमन बीमारी हम हर समस्या के लिए पेरेंट्स के पास जंप कर जाते हैं और जिस पेरेंट के पास जंप करते हैं वो पेरेंट यदि बाउंस बैक कर जाए और हमारे ऊपर चिल्लाने लगे तो मेजोरिटी ऑफ पीपल आई हैव सीन वो बैक स्टेप लेते हैं और कहते हैं सर विल लेट यू नो और हम इस पर काम करेंगे और ये वो छोड़ देते हैं पेरेंट्स तक जाने की जरूरत ही नहीं है यदि हम क्लासरूम में बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को एड्रेस कर लें मॉडल बिहेवियर टीचर सर्व एज रोल मॉडल्स फॉर स्टूडेंट्स मैं ऐसा साइकोलॉजिस्ट जब बहुत सारे पेरेंट्स से मिलता हूँ मुझे बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं सर एक बार ना ये टीचर मेरे बच्चे को ये बात कह दे तो मेरा बच्चा ये बात सुन लेगा. Thought, कि टीचर में ऐसा क्या है कि बच्चे को जन्म देने वाले माँ बाप से भी ज्यादा उसके बाद का इम्पैक्ट है ने नहीं, that इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि टीचर बच्चे की लाइफ में जो रोल प्ले करते हैं वो पेरेंट्स भी कई हद तक नहीं कर पाते सो so, टीचर का बच्चे के लिए रोल मॉडल होना बहुत जेन्य सी बात है एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है वे लास्ट कैन यू जस्ट टेल मी यदि मैं क्लास टू थ्री फोर फाइव के बच्चों से जाके पूछूं कि आप क्या बनना चाहते हो तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे चालीस में से तीस बच्चे आंसर करते हैं सर मैं टीचर बनना चाहता हूं यदि मैं यही क्वेश्चन नाइन टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ के बच्चों से जाके करूं तो मुझे एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलता पूरी क्लास में जो मुझे कहे कि मैं टीचर बनना चाहता हूं सो दिस इज समथिंग जहां पे हम एज अ टीचर अपने रोल मॉडल होने में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं सो so, टीचर को एज अ रोल मॉडल आप क्लास में टाइम से पहुंचिए तब आप किसी बच्चे को टाइम से आने के लिए कह सकते हैं आप क्लास में प्यार से बात कीजिए तब आप किसी बच्चे से प्यार एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोगों की फिलॉसफी है हम चिल्ला के कहते हैं चिल्लाओ मत डांट के कहते हैं डांटो मत रो के कहते हैं रो मत गुस्सा के कहते हैं मत एंड हसेंगे और कहेंगे मत So, जब इंस्ट्रक्शन ही उल्टा है तो आउटकम कैसे सीधा आएगा सो दिस इज समथिंग जहां पे हमको ये चीज समझनी है कि हमको बच्चों के लिए अपने आप को एज ए रोल मॉडल बनाना है आप बच्चे को स्कूल का लेट आना जो है उस पर उसके एलमिनाक में उसकी डायरी में उसको उसको हाईलाइट करते हैं बट देर आर समाइम्स टीचर्स लास्ट मोमेंट पे दौड़ते हुए आते हैं बच्चों के ऊपर ये क्या इंप्रेशन है यदि हम पंक्चुअल नहीं है यदि हम आ, अपनी चीजों को लेकर के अलर्ट नहीं है यदि हम आराम से कॉरिडोर में खड़े हैं बात कर रहे हैं आई बिलीव यहाँ जितने लोग हैं वो बहुत एजुकेटेड और इस क्लास से आते हैं कि उनको कुछ चीज़ समझ में आए बट आई हैव सीन समवेयर यहाँ पे टीचर स्कूल के अंदर जो है वो आ, क्लास कॉरिडोर के बाहर या स्टाफ रूम में चोरी छुपे खेनी बना रहे हैं और बच्चे ने छुप से देख लिया सो so ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे टीचर को अपने आप को रोल मॉडल बनाने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा बहुत सारे लोग जो स्टेटस लगाते हैं वो किसी के बारे में बुराई आप किसी कम्युनिटी को फॉलो करते हैं आप किसी नेता को फॉलो करते हैं आप किसको फॉलो करते हैं ये आपका पर्सनल ओपिनियन है ये आपका, आपका व्यक्तिगत ओपिनियन है स्कूल में आप सिर्फ एक सेक्युलर टीचर हैं सो हमको ये पर्सपेक्टिव जब समझ में आएगा तब हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर रोल मॉडल बन पाएंगे मेरे नाम के आगे त्रिपाठी है कि गुप्ता है कि राम है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे है इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरे बच्चे मुझे कैसे परसीव करते हैं मुझे कैसे देखते हैं सो so, टीचर के लिए एक रोल मॉडल जो बनना ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि खाने में नमक डालना इट्स वेरी सिंपल सो so, आपकी वैल्यू ही तब है जब आप बच्चों के लिए एक सही रोल मॉडल बने नेक्स्ट इजDemonstrate the desired behavior through consistent actions अब पता चला हमने तो कोई सेशन अटेंड किया तो तो बड़ा अच्छा अच्छा बोलने लगे भाई हम बहुत बढ़िया हो गए दो दिन बाद फिर कोई प्रॉब्लम हुई अब तो हम ब्लास्ट कर गए सो so, ये कंसिस्टेंसी जब लैक करती है तो प्रॉब्लम होती है हमको ये समझना पड़ेगा कि यदि हम डिजायर्ड बिहेवियर को अपने कंसिस्टेंट एक्शन में नहीं रख रहे हैं तो ये कही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और इस प्रॉब्लम की वजह से इश्यूज जो है वो अक्सर क्लासरूम्स में लाइफस्टाइल में बच्चों के साथ फैमिली लाइफ में आते हैं विच इज वेरी नेचुरल नेक्स्ट इज विजुअल्स इमेजेस ऑफ अ क्लासरूम विद विजिबली डिस्प्लेड रूल्स जो आप बोलते हैं जैसे मैं कहूं कि आपने एक घंटे का सेशन अटेंड किया आप उस सेशन में एक घंटे में क्या क्या हुआ लिखिए सो so, कुछ लोग होंगे जो एक पेज लिखेंगे कुछ लोग होंगे जो आधा पेज लिखेंगे कुछ होंगे जो एक, आग, दो में सेशन अच्छा था इट वॉज गुड और, और उन्होंने पॉजिटिव बिहेवियर पर बताया और ये ये चीज है बात खत्म उसी तरीके से हर व्यक्ति क्लास का जो हिस्सा है स्टूडेंट जो क्लास का हिस्सा है हर स्टूडेंट क्लासरूम की चीज को अलग अलग तरीके से लेता है सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्लासरूम में जो कह रहे हैं उसको हम लिख के कहीं रखें जरूर क्योंकि यदि हम उसको लिखते नहीं हैं तो वो हम भी भूल जाएंगे कि हमने क्या कहा था सो so कुछ बेसिक रूल्स डिसाइड करें दो तीन चार मैक्सिमम पांच उससे ऊपर नहीं उस पांच को टाइप करें या बोल्ड लेटर्स में स्केच पेन से चार्ट पेपर पर पे लिख के क्लास में चिपकाएं और उसको पहले खुद फॉलो करें एंड देन बच्चे मैं भी कर रहा हूं और आप लोगों को भी फॉलो करने की कोशिश करनी ये हमेशा एक साल का एजेंडा हो इट विल हेल्प अलॉट नेक्स्ट स्माइली फेसेस और स्टार्स रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव री एनफोर्समेंट स्माइलिंग फेसेस गंदा समूह बना के यदि हम किसी क्लास में जाते हैं हम खुद ही बोर्ड है हमें खुद ही अच्छा नहीं लग रहा सो हम जब क्लास में पहुंचेंगे हम जब क्लास में जाएंगे हम जब क्लास में किसी से जाके कुछ बोलेंगे तो सामने से वो रिफ्लेक्शन आएगा ही कैसे सो एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट री एक्शन सो वी हैं कि हमारे बच्चे क्लास में मेरा खुशी से स्वागत करें तो मुझे क्लास में खुशी खुशी जाना पड़ेगा हम टीचर बाई मैं थोड़ी कड़वी बात बोल रहा हूं बट आपको डाइजेस्ट करनी होगी ये हम टीचर बाई चांस हैं या हम टीचर बाई चॉइस हैं ये यू आर अ टीचर आपको कोई नौकरी नहीं मिली इसलिए आपने टीचर की नौकरी पकड़ ली और आप टीचर बनना चाहते थे इसलिए आप टीचर बने इन दोनों केस में आप टीचर ही हैं आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते बच्चा आपके हर बिहेवियर को देख रहा है और वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है और हम लोगों की जो कैनोपी है यदि हम उसको बड़ा नहीं करते हैं तो हम अपने नारो माइंडेड थॉट से बच्चों को कंफ्यूज कर देंगे सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है आपके पास कितना पैसा है कितना पैसा नहीं है आपका बैंक बैलेंस कहाँ स्ट्रगल कर रहा है आप कैसे हैं इट डजेंट मैटर वेन यू आर अ टीचर यू आर अ टीचर means यू हैव टू डू समथिंग which gives मीनिंग टू टू लाइफ ऑफ अ चाइल्ड एंड इफ मीनिंग इज नॉट not टू द लाइफ ऑफ द चाइल्ड इट विल नॉट हेल्प टू to anyone. So यदि हम चाहते हैं कि बच्चा स्कूल से लौट बाहर निकलने के बाद भी जब कभी स्कूल लौटे तो वो हमें देख करके खुश हो हमें देख के प्रसन्न हो हमको देख के अच्छा फील करे, so उसके लिए हमको क्लास में मुस्कुराते हुए जाना पड़ेगा और मुस्कुराहट इज वेरी इन्फेक्शियस स्माइल इज वेरी सो इफ यू वॉन्ट टू गो इन साइड योर क्लास कुछ दिन आप मुस्कुरा के जाएंगे एक दिन यदि आप बिना मुस्कुराए जाए तो बाकी बच्चे मुस्कुराते हो आपका स्वागत करके पूछेंगे सर आप कैसे हैं आज सब ठीक तो है सर आज आप हंस नहीं रहे एंड आपको नेचुरली हंसी आ जाएगी सो so, फसल काटने के लिए पहले बीज तो बोना पड़ेगा और यदि हम बीज नहीं बो रहे तो फिर हम फसल काटेंगे क्या चैलेंजिंग बिहेवियर एक ही क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं कोई बहुत एग्रेसिव होता है कोई इम्पलसिव होता है कोई बहुत खुश होता है कोई बहुत सैड होता है कोई बहुत हैप्पी फेस होता है कोई बहुत ऐसा होता है कि उसको देख के एकदम आपको लगे कि एकदम आप आग बबूला हो गए लेकिन वो बच्चा जिसको देख के आप एकदम आग बबूला हो जाते हैं ये वही बच्चा होता है जो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है मैंने हमेशा देखा है वो बच्चे जिसकी टीचर मुझे सबसे ज़्यादा शिकायत करके जाते हैं वो बच्चे अपने टीचर को प्यार बहुत करते हैं उनके रिस्पेक्ट बहुत करते हैं जबकि वो बच्चे जिनको टीचर कहते हैं सर ये बहुत इंटेलिजेंट है बड़ा अच्छा है बहुत बढ़िया है मेरे क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है वो बच्चे पीठ पीछे अपने टीचर की बुराई कर देते हैं इंटेलिजेंट बच्चे अपने टीचर के उतने सगे नहीं होते जितना कि वो बच्चे जो एवरेज स्कोरर होते हैं अपने टीचर्स के सगे होते हैं अपने टीचर्स को प्यार करते हैं सो दिस इज समथिंग विच इज माई ऑब्जर्वेशन एंड आई जस्ट से वन थिंग कि कहीं ना कहीं हमको इस परस्पेक्टिव से भी एक बार सोचने की जरूरत है कि हम अपने आप को एज अ टीचर यदि किसी की लाइफ में ऐड करते हैं तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हमारा उसके ऊपर एक इम्पैक्ट है यदि आपके टीचर ने आप यहाँ बैठा हर टीचर मैं तीन हजार ऑडियंस से पूछ रहा हूं यदि आपके किसी टीचर ने कभी आपको कोई ऐसी बात बोली हो जिससे आपकी पब्लिक इंसल्ट हुई हो आप आज भी उस टीचर को याद रखे होंगे हो सकता है किसी ने आपकी तारीफ की हो वो आप भूल गए हो लेकिन कोई ऐसा जिसने आपको बुरा फील करा है वो आपको आज भी याद होगा सो so, यही है कि जब हम शब्दों के चयन के साथ शब्दों के मायने बदल देते हैं तब तो, तो समस्या बढ़ जाती है सो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू समेर अंडरस्टैंड कि हमको कहीं ना कहीं बच्चों के बिहेवियर को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा उस पर लगना पड़ेगा चैलेंजिंग बिहेवियर्स के साथ हमें क्या करना है सो द वेरी फर्स्ट इज आइडेंटिफाई कॉमन चैलेंजेस कॉमन चैलेंज क्या है मेरी क्लास का मेरी क्लास में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस बात की है मेरी क्लास में बच्चे बहुत ज्यादा चुप रहते हैं बहुत ज्यादा बोलते हैं मेरी बात नहीं सुनते जो भी ग्राउंड रियालिटी है पहले उस चैलेंज को अपनी बैठ करके पहले लिखिए सोचिए आप पचास बातें सोचेंगे उसमें से पांच काम की होगी और एक सबसे इंपॉर्टेंट होगी उस एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तक आपको पहुंचना है कि आखिर सबसे कॉमन चैलेंज है क्या उसके बाद जो सबसे कॉमन चैलेंज है उस कॉमन चैलेंज में आपको रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर मुझे बॉडर क्या कर रहा है मुझे दुखी क्या कर रहा है जैसे वो टीचर जो अपने ऊपर सबसे ज्यादा डाउट करते हैं अपनी सब्जेक्ट नॉलेज पे बहुत डाउट करते हैं जिनको लगता है कि हर बच्चा मेरा मजाक बना देगा उनको यदि क्लासरूम में कोई बच्चा देख के ना अपने दोस्त से चुटकुला शेयर किया और मुस्कुरा दिया और उनकी ओर देख दिया तो वो उसको खड़ा कर देंगे वो उसको देख के इरिटेट हो जाएंगे वो उसको देख के गुस्सा आने लगेंगे क्यों बिकॉज मेरा इनर वर्ल्ड का जो टॉक है मेरा जो अपने आप से डिस्कशन चल रहा है वो डिस्कशन ऐसा चल रहा है इज़ कि लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते यार, मैं अपने ऊपर अच्छा कि का कर so, काम करने की जरूरत है बच्चे को हाईलाइट हम तभी तक कर सकते हैं जब तक वो हमारी क्लास में है हमारे कंट्रोल में है एंड आईम अगेन से जब हम डीलिंग की ओर चलते हैं तो हमें बेसिक्स पे काम करना पड़ता है सो so, And Aisa कौन सा है जो मुझे and for क्या ये दो चार बच्चे हैं जो क्लासरूम में ये स्पेसिफिक बिहेवियर करते हैं ये बच्चा कब से ये बिहेवियर कर रहा है क्या ऐसी चीजें हैं जिसके बाद ये बिहेवियर इन जनरल होता है या कौ कौन सा ऐसा स्पेसिफिक चैलेंज है जिसको डील करने में मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है बी स्टफ देन प्रोएक्टिव अप्रोच सो फॉर अ प्रोएक्टिव अप्रोच द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच यू कैन डू इज एड्रेस पोटेंशियल इश्यूज बिफोर दे एस्केलेट इसके पहले की समस्याएं ऊपर चढ़ जाए आगे बढ़ जाए आप उसको एड्रेस करिए और जब आप किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं किसी प्रॉब्लम को जो है डिस्कस uh, करते हैं बात करते हैं तो कम्युनिकेट करने से बहुत सारी चीजें अपने आप सेटल हो जाती हैं अपने आप ठीक हो जाती हैं बट एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग एड्रेस नहीं करते हैं हम ना थ्रो इन थ्रो द बॉल इन समवन एल्स कोट करते हैं हम पेरेंट्स को बता देंगे आपको बच्चा मैथ्स नहीं पढ़ता

अरे तो जब मुझे सब कुछ खुद ही करना है तो मैं एक बी भी कर लू और बी करके अपने ही घर पे बच्चे को पढ़ा लू एन आई से पास करा लूंगा इज 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 द नीड ऑफ सेंडिंग चाइल्ड टू स्कूल सो दिस अ वेरी फंडामेंटल थिंग एंड टीचर्स एज अ साइकोलॉजिस्ट आई आज दिस क्वेश्चन बिकॉज इस सेशन में ना पेरेंट है ना स्टूडेंट है ये कोर टीचर्स का सेशन है आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वेरी सिंपल वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन दैट

तो कोई किसी बच्चे ने किसी बच्चे को फील्ड में इतनी मार मारी कि उसको ब्लड आ गया पेरेंट्स को बुला करके का लेटर लिखा के छोड़ दिया सो so, हमें कुछ क्लियर एसओपी कुछ क्लियर चीजें रखनी पड़ेंगी जो कि एकदम फेयर हो और कंसिस्टेंट हो किसी मिसबिहेवियर को एड्रेस करने के लिए यदि आप यदि ये बिहेवियर होता है तो उसके लिए ये होगा अब वो बच्चा चाहे वो प्रिंसिपल का बच्चा हो चाहे टीचर का बच्चा हो चाहे डीएम का बच्चा हो चाहे किसी स्वीपर का बच्चा आपके स्कूल में पढ़ता हो डिसिप्लिन लेवल एंड ऑल इज इंश्योर नोन एंड अंडरस्टूड बाई स्टूडेंट्स हम लोगों के नियम हमने बना तो लिए बट बच्चों को तो बताया ही नहीं तो बच्चा कहेगा जब गलती हो जाएगी कि अरे मुझे पता होता तो मैं ऐसा काम ही नहीं करता सो वी हैव टू टेक एन असेंबली इन असेंबली इनसाइड द क्लास क्लासरूम इन द पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम वी शुड टॉक कि मेरे स्कूल की ये डिसिप्लिन पॉलिसी है मेरे स्कूल में बुलिंग को ऐसे हैंडल किया जाता है मेरे स्कूल में किसी बच्चे का सेल्फ हार्म बिहेवियर ऐसे हैंडल किया जाता है मेरे स्कूल में किसी बच्चे का मिस बिहेवियर ऐसे हैंडल किया जाता है इस चीज पे बच्चे को सस्पेंशन मिलना तय है इस चीज पे बच्चे को अपॉलोजी लेटर देने की जरूरत है इस चीज पे बच्चे को जो है पनिशमेंट दी जाएगी इस चीज पे बच्चे को दो दिन स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा इट शुड बी वेरी स्टिल क्लियर सो इस चीज को पढ़ेंगे और करेंगे, देन इट कम

पेरेंट्स इन दट से घूम फिर के पूरी बात तो सिर्फ पेरेंट्स के कोर्ट में आके रुक जा रही है सो so, हमें अपने आप को इस लेवल पे क्विप करना है कि हम किसी भी चैलेंजिंग बिहेवियर को एड्रेस करने के लिए बात करें क्योंकि रिमेंबर आप किसी एक बच्चे को स्कूल से किसी भी तरीके के ग्राउंड पे यदि वैसे तो इंक्लूसिव एजुकेशन में दिस इज नॉट अलाउड बट आई हैव सीन एट सम प्लेसेस इट हैज हैपन एंड दे हैव वेरी पथेटिक लीगल कॉन्सिक्वेंस आफ्टर दैट आप किसी भी बच्चे को स्कूल से निकालने को उसका समाधान मत समझिए उस बिहेवियर को डील करने की कोशिश कीजिए कि ये बिहेवियर ऐसा है तो उसको हम ऐसे हैंडल करेंगे ये हमारा प्रोटोकॉल है आप उसके लिए किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लीजिए अपने स्कूल काउंसलर की हेल्प लीजिए बात कीजिए बट किसी भी प्रॉब्लम पे डिस्कशन ना करना उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कतई ही नहीं होता है नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज ओपन कम्युनिकेशन ओपन कम्युनिकेशन इज अ वेरी कॉमन टर्म जिसका मतलब ये कत्ता ही नहीं है कि ओपन कम्युनिकेशन मतलब हर चीज के बारे में कहीं भी कुछ भी बात करना ना ओपन कम्युनिकेशन हैज अ वेरी क्लियर मीनिंग दैट एस्टैब्लिश ओपन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स लाइक बच्चा मुझसे फ्रीली अपने दिल की बात कह सकता है लेकिन उसको ये पता है कि मेरे शब्द मर्यादित होने चाहिए बच्चा अपने दोस्त से अपने दिल की बात कह सकता है लेकिन उसको वहां पता है कि ये मेरा दोस्त है इसके साथ मैं इस तरीके के शब्दों का चयन कर सकता हूँ ये मेरे टीचर हैं इनके साथ मुझे इस तरीके के शब्दों का चयन करना है ये मेरे पेरेंट हैं इनके साथ मुझे इस तरीके के शब्दों का चयन करना है भाषा की पकड़ यदि लैप करेगी तो हम कितनी भी कोशिश करेंगे हम बच्चों के परस्पेक्टिव पे उस लेवल पे काम ही नहीं कर पाएंगे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है सो दिस इज टीचर्स

i'll finish up in the next 5 minutes so just listen so this is very important for all of us being as a professional to take care of the communication style we adapt for our classroom यदि एक टीचर दूसरे टीचर से रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते हैं तो आप सोच करके देखिए आप यदि क्लासरूम में आई हैव सीन मेनी टाइम्स साइंस टीचर

हम लोग इसलिए बच्चों की बात सुनने से भागते हैं क्योंकि हमें लगता है सुनेंगे तो फंस जाएंगे फंस जाएंगे तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और जिम्मेदारी बढ़ जाएगी अरे सुनने का मतलब ये करता ही नहीं होता है कि मैंने सुन लिया मतलब आई एग्री टू दिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ स्पेस आप ईमानदारी से सोच के बताइए मुझे आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसको बड़ा लाइक करता है जो आपको बड़े अच्छे अच्छे एडवाइस देता है आप सिर्फ उसको लाइक करते हैं जो आपको सुनता है जो आपको सुनता है आपको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देता है सो दिस इज समथिंग, दिस इज समथिंग वे वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी वी शुड ट्राई टू एक्सेप्ट आर सेल्व एज इट इज एज वी आर एंड एक्सेप्ट चिल्ड्रन एज इट इज एज दे आर बिकॉज दैट वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड द मोस्ट टेक्निकल स्किल एंड द मोस्ट कॉमन टॉकउट टॉपिक दैट इज एक्टिव लिस्निंग अंडरस्टैंड कंसर्न एंड नीड्स ऑफ स्टूडेंट उसकी प्रॉब्लम क्या है कहना क्या चाहता है ऑब्जेक्टिव क्या है क्या हेल्प सीख कर रहा है Help भी चाहिए या सिर्फ दिल कह के हल्का हो गया और बात खत्म हो गई

फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी बच्चे ने आपसे कहा सर मैथ्स टीचर ना बार बार क्लास में बड़ी बेज्जती करते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है वो बहुत गंदे तरीके से बोलते हैं हर बार चढ़ जाते हैं कि लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे ये वो और सारी चीजें मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है अब आपके टर्म्स यदि उससे उस अच्छे नहीं है तो आप फट से कह देंगे हाँ यार वो तो बहुत गंदे टीचर है बट आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपका टर्म उनसे अच्छा है बुरा है ये आपका व्यक्तिगत मामला है बट आपको बच्चे से बहुत और बहुत और कहना है But it could be just a perspective -taking. क्योंकि सर को objective तुम्हें हर्ट करते होंगे अंडरस्टैंड बट जस्ट बिकॉज सर के वर्ड्स का सिलेक्शन मे बी वो पर्पजली नहीं करते बट तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि इट्स नॉट गिविंग गुड फीलिंग टू यू सो आई अंडरस्टैंड

कार्टून इमेजेस डेमोन्स्ट्रेटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन सो हमको बच्चों को अपनी बात रखने के लिए बच्चों को अपनी बात बताने के लिए या नेक्स्ट इज आईक्रजेंटिंग लिसनिंग स्पीकिंग कई बार जैसे आप आई uh, यदि आप कभी एयरपोर्ट गए हो है ना uh, या आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो आपने देखा होगा कि स्विच बोर्ड्स लगे होते हैं उस पे सिंबल्स uh, होते हैं कि इस बटन को दबाने पे क्या होगा लाइट वाले बटन पे लाइट दिखती है या उस पर लाइट लिखा होता है फैन uh, वाले बटन पे फैन लिखा होता है यदि आपको किसी को बुलाना तो उसके लिए एक बटन अलग से होता है उस पर उस पर आवाज आपके मतलब बोलने के लिए सिंबल दिया होता है उससे क्या समझ में आता है हम देख के समझ जाते हैं कि ये चीज इस ऑब्जेक्टिव से होगा कुछ लोग उसको एक दो बार प्रेस करके ट्राई करते हैं एंड देन देरी सेम वे हमको कुछ आइकन रखने होंगे जो हमारी लिसनिंग और स्पीकिंग को हमेशा यू नो डेमोन्स्ट्रेट करें ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा आपसे यू नो अच्छे से बात ना करे या मैं भी आपसे uh, जिस शब्दों का चैन कर रहा है वो आपको सैड फील कराए I understand that happens but we have also been children we have also been into uh, tough times so how to handle difficult conversations the very first thing stay calm एक एक तूफान दूसरे तूफान में तूफान को बढ़ाने का काम करता है और एक शांत नदी बड़े से बड़े तूफान को भी थामने का और रोकने का काम करती है हम क्या बनना चाहते हैं हम कैसे हैंडल करना चाहते हैं यही पूरा गेम है सो दिस इज समथिंग विच वी अ सिचुएशन स्टे काम फर्स्ट नंबर टू डूरिंग चैलेंजिंग डिस्कशंस जब भी आप कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में हो कम्पोज करने की कोशिश करें उसको समझने की कोशिश करें और उस कंपोजर को मेनटेन करने की कोशिश करें नेक्स्ट इज स्टे फोकस्ड ऑन फाइंडिंग सल्यूशन रैदर दैन असाइनिंग ब्लेम ये तो इसकी वजह से हुआ वो तो उसकी वजह से हुआ दूसरे को फंसा करके दूसरे को गलती निकाल करके हम थोड़े समय के लिए बच सकते हैं लेकिन हम प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं कर सकते सो फॉर सल्यूशन हमें ब्लेम कर से ज्यादा इस पर फोकस करना पड़ेगा कि वो स्टार्ट कहाँ से हुआ नेक्स्ट एम्पथाइज एम्पथी इज अ वेरी वेरी रेगुलर मोड यूजिंग वर्ड बट एम्पथी इज not something which people generally, I believe, understand. understand, understand Even they understand, it's tough to practice. So, understand the student's perspective and feelings. एक 40 साल, के व्यक्ति का एक 15 साल के बच्चे की बुद्धि पे उतर कर सोचना आसान है बट एक पंद्रह साल के बच्चे का चालीस साल के व्यक्ति के बुद्धि के हिसाब से सोचना बहुत मुश्किल है चालीस साल वाले के पास पंद्रह साल का भी अनुभव है पंद्रह साल वाले के पास चालीस साल वाले का अनुभव नहीं है सो so, पंद्रह साल वाला बच्चा आपके कहने वाले पर्सपेक्टिव पे चढ़ ही नहीं पाएगा उसको बहुत चैलेंजेस आएंगे अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव एंड फीलिंग्स ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वैलिडेट इमोशंस शो एम्पथी इन फाइंडिंग सोलूशंस टू बिहेवियरल चैलेंजेस किसी बच्चे को गुस्सा आता है तो उससे बात करिए कि बेटा मुझे गुस्सा खत्म करने का रास्ता तो नहीं पता लेकिन हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं टॉक अबाउट इट एंड एंड टीम वर्क शेयर हम और आप बहुत ब्लेस्ड थे कि मैसेज जमाने में थे कि हमारे पास चार छह भाई बहन थे एक बड़ा मोहल्ला था घर परिवार था पच्चीस तीस पचास रिश्तेदार थे बट आज के समय पे बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए हैं और सिंगल चाइल्ड कंसेप्ट की वजह से जो बच्चे हैं वो अपनी जिंदगी में बहुत अकेले हो गए हैं इसलिए सब कंपटीशन कर रहा है कोलैबोरेशन की कोई बात ही नहीं कर रहा है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लुक इन द पर्सपेक्टिव द चिल्ड्रन आर देयर इन सोसाइटी एंड दिस इज द दिंगव थिंग व्हिच आई बिलीव टीचर्स आई कैन सी 2907 पीपल इन माय टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड से थिंग इज लाइक whenever it comes to the session whenever it comes to the discussion whenever it comes to the uh, stuff this is most important thing which i feel as a psychologist is before you want to make a change in the society start the change with yourself because without making the change in yourself you can't do anything for anyone uh, you know there in society सो so, जिस भी बच्चे की जिंदगी पे आप ये ब्लेस्ड फील करें वेदर आई यू आर टीचर्स बाय चांस और यू आर टीचर बाय चॉइस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड आई कैन सी अ लॉर्ड ऑफ गुड कमेंट्स इनसाइड द चैट बॉक्स थैंक यू सो मच फॉर ऑल द वॉम विशेज आई लिटरलीलवेज थैंक ऑल माई भगवान ने मुझे चूज किया कि मैं इतने सारे लोगों के साथ एक साथ बात कर पाया बट लिटरली हम लोगों को बेसिक्स पे बहुत काम करने की जरूरत है यदि हम अपने बेसिक्स पे काम कर रहे हैं तो हम एक बहुत बेहतर ह्यूमन बींग्स को डेवलप करेंगे आज की सोसाइटी में हमें एजुकेटेड से ज्यादा सेंसिबल लोगों की जरूरत है एंड फॉर दैट हु कुड बी बेटर ऑडियंस देन टीचर्स विद दिस थैंक यू जय हिंद नमस्ते एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड एवरीवन थैंक यू एवरीवन नमस्कार